हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ढेर सारी रेसिपीज एंड स्मार्ट टिप्स। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों से मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी टेस्टी रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, टिफ़िन में ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 कच्चे केले, कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई हरी धनिया पत्ती। एक ब्रेड को मैंने टोस्ट करके मिक्सी में पीस लिया है, तो उससे बन गया ब्रेड क्रम। आप इसे घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले इन कच्चे केले को छील के ग्रेट करना है, तो मैं इन केलों को छील लेती हूँ। इस तरीके से सारे छिलके उतार देने हैं। इसी तरीके से मैं सारे केलों को छील लूँगी। ये बहुत ही इजीली छिल जा रहे हैं। ये देखिए, केलों को मैंने छील लिया है। अब इसको ग्रेट करना है ग्रेटर की हेल्प से। अब इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम, जो मैंने ब्रेड को टोस्ट करके पीसा था। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया पत्ती, हरी मिर्ची। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें डालूंगी नमक, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं इसको हेल्दी सा बना रही हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। हैंड की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब इस पर डालूंगी थोड़ा थोड़ा पानी। पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके का बैटर तैयार कर लेना है, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको सेकती हूँ। तवे पर डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें बैटर को डालेंगे। अब इसको धीरे धीरे स्पून की हेल्प से फैलाना है। इसको ऐसे ऐसे कर देना है ताकि अच्छा सा राउंड शेप आए। अब इसे लो फ्लेम पे सेकने लेंगे। अब इसे टर्न कर लेंगे, दूसरे साइड भी इसे अच्छे से सेकने देंगे। ये देखिए, मेरा चीला तैयार हो चुका है। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। ये देखिए, अब मैं इसकी कर लेती हूँ प्लेटिंग। देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी इसे ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।